कमेटी हमीरपुर ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों से संबंधित कानूनों जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित कानून में संबोधन कर किसानों और देश की जनता के साथ विश्वासघात करने के खिलाफ जिलाधीश हमीरपुर के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया व धरना दिया। केंद्र सरकार ने पहले किसानों की आमदन दोगुना करने का नारा दिया जो कि झूठा साबित हुआ। किसानों की आमदन तो दोगुना नहीं हुई परंतु कृषि लागत जरूर 2 से 3 गुना बढ़ गई। खाद, बीज व अन्य उपकरणों की कीमतें भी बढ़ गईं। अभी सरकार ने कृषि संबंधी कानूनों में बदलाव कर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वंचित कर दिया और अनाज व अन्य फसलों के लिए देशी व विदेशी कंपनियों को व्यापार करने की खुली छूट दे दी। इनमें देश में अनाज मंडी या तो खत्म हो जाएगी और अनाज का व्यापार व कारोबार देश और विदेशों की बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, जिससे किसान तो बर्बाद होगा ही और इसके साथ साथ व्यापारी व छोटा कारोबारी जैसे रेहड़ी वाले और आड़ती भी बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अनाज व सब्जियों का कारोबार बड़ी कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव CIATU। आज पूरे देश में जो केंद्र सरकार ने 3 किसान से संबंधित कानूनों में संशोधन किए हैं, उन संशोधनों के खिलाफ पूरे देश में किसान तो प्रदर्शन कर रहे हैं और CIATU और तमाम ट्रेड यूनियनें किसानों का समर्थन कर रही हैं। और इसका वजह ये है कि इस परिवर्तन से, ये जो संशोधन किए हैं, इससे किसान तो प्रभावित हो गए, बर्बाद होगा किसान, परंतु देश का मजदूर भी इससे प्रभावित होगा। सरकार ने जो मुख्य बात है जो संशोधन कर दिए, पहले सरकार ने कानून था कि आप एक लिमिट से ज़्यादा जमाखोरी नहीं कर सकते खाद्यान्न वस्तुओं में, अनाज में, चीनी में, प्याज में, इन सारी चीज़ों में एक लिमिट तक आप जमाखोरी कर सकते थे। अभी सरकार ने वो जमाखोरी करने का सारा सीमा हटा दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इजाज़त दे दी है और दुकानदारों को भी, आज जितना मर्जी स्टोर कर लो। और इससे ये होगा पूरे देश में अनाज की और दूसरी सारी चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाएगी, जिससे चीज़ों के दाम बढ़ेंगे और उससे जो है आम जो आदमी है, किसान तो बर्बाद होगा ही होगा परंतु मजदूर भी बर्बाद होगा। बनावटी किस्म का चीज़ों की कमी जो है देश में पैदा कर दी, किल्लत पैदा कर दी जाएगी बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा मुनाफा कमाने के लिए, और इससे किसान बर्बाद होगा, मजदूर भी बर्बाद होगा, किसान को पूरा कीमत नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, सरकार ने खेती में बड़ी बड़ी कंपनियों को ठेका देने का प्रावधान कर लिया है और खेती ठेके पर होगा। ये सारा काम जो है, ये सारा देसी और विदेशी कंपनियां, जो छोटा किसान है हमारा वो बर्बाद हो जाएगा, अपने खेत में जो मजदूरी करने पर मजबूर हो जाएगा, ऐसा सरकार ने प्रावधान कर दिया है, उसका विरोध करते हैं। तीसरा है, जो सरकार ने पूरे देश में जो मंडियों का व्यवस्था था, APMC कानून था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटियाँ बनी हुई थी मंडियों में, उन कमेटियों को भंग करके जो है मंडियों को निजी क्षेत्र में देने का फैसला कर लिया है। और आज इससे किसान तो बर्बाद हो गया ही होगा, आड़ती भी नाम की चीज़ रहेगी नहीं। अब सरकार तर्क दे रही है ई मंडी कर रहे हैं हम, ई मंडी का मतलब है कि हिमाचल का किसान बंगलौर में बेचेगा, केरला में बेचेगा, UP में बेचेगा, जहाँ भाव मिलेगा उसको। मान लिया किसी का 10 क्विंटल ले जाकर कोई 10 स्टेटें पार करके थोड़े जाएगा, तो इससे जो है देश को, किसानों को तो गुमराह किया ही जा रहा है, तो मजदूरों को भी जो है इसका नुकसान होगा, गरीब जो छोटी आमदन वाले लोग हैं उससे तबाह हो जाएंगे, किसान तो तबाह होंगे होंगे। इसलिए CIATU के लेवल पर हमने पूरे देश में इसका विरोध करने का फैसला किया है। ये जो कानून सरकार ने किए, मजदूरों को तो हमला है ही, ये सरकार किसानों पर भी हमला कर रही है। इसलिए जो है आज हम किसानों के समर्थन में, जो सारी किसानों के संगठन है पूरे देश में, इसका विरोध कर रहे हैं। आपको शायद मालूम है पंजाब में रेल बंद हो गया, लोग पटरियों पर बैठ गए, और इसके बाद भी जो है सारे देश में एक बड़ा आंदोलन जो है किसान करने जा रहे हैं। हम उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप सारे जो संशोधन, जो मजदूर और किसान विरोधी जो संशोधन है उसको वापस लें। हम तो राष्ट्रपति महोदय से भी आग्रह करना चाहते हैं कि आप उन संशोधनों को अनुमति ना दें, हस्ताक्षर ना करें, वापस लौटाएं, ये हमारा आग्रह है। तो इसके साथ आज ये धरना है पूरे प्रदेश में, CIATU कर रहा है, पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं, और हम किसानों के साथ हैं और सरकार से
हम कहना चाहते हैं कि किसानों को बर्बाद मत करो। आपने कहा था दोगुनी आमदन कर देंगे किसानों की, दोगुनी तो हुई नहीं। खाद के रेट बढ़ गए, बीज के रेट बढ़ गए, दवाइयों के रेट बढ़ गए, किसान की जो की पैदावार है उसका रेट तो बढ़े नहीं। इसलिए जो है ये सारा धोखा किसानों के साथ किया जा रहा है और इसका इजाजत नहीं दिया जाता। धन्यवाद। हमीरपुर से आपका फैसला टीवी के लिए ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।